जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कैंडिडेट के नाम पर मंथन। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 7 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। पुलवामा से फयाज अहमद सोफी को दिया टिकट। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 13 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, अगर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और उसके आतंकियों के साथ खड़े होंगे तो भी क्या राहुल गांधी साथ देंगे? पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती की दो टूक, अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे के साथ है तो हम समर्थन करेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में समस्याएं बढ़ी, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बोली, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन बढ़िया है, सियासत पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत। बीजेपी पर भड़के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जम्मू कश्मीर में हम किससे साथ गठबंधन करेंगे, बीजेपी को क्या मतलब? एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला बोले, अमित शाह ने मैनिफेस्टो के सिर्फ एक पैराग्राफ पर फोकस किया, सुनकर दुख हुआ। कांग्रेस एनसी का बेमेल निकाह हुआ, जल तलाक होगा, प्रमोद कृष्णम का तंत्र। आजीकर अस्पताल कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई ने जेल में जाकर टेस्ट किया। संजय रॉय के बाइक की होगी फॉरेंसिक जांच, कल सीबीआई ने जब्त की थी बाइक। आजीकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का मामला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। आरजीकर अस्पताल के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ के घर भी सीबीआई का छापा, मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के ठिकानों पर भी रेड। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने आरजीकर हॉस्पिटल में भी की छानबीन, एक अधिकारी बोले बहुत कुछ मिला। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी सीबीआई ने की पूछताछ, अस्पताल के स्टोर रूम का भी किया मुआयना। सीबीआई की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार, पूरा भ्रष्टाचार बाहर आएगा। जन्माष्टमी से पहले मथुरा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ओलंपिक कांस्य विजेता अमन सहरावत ने कहा, जिस तरह से स्वागत हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा, 2028 में गोल्ड जीतने की है तैयारी। हरियाणा के झज्जर में विनेश फोगाट और अमन सहरावत का किया अभिनंदन, दोनों खिलाड़ियों का मंच पर किया गया स्वागत।